स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के दिन बजाज फिनसर्व के अंदर काफी इंटरेस्टिंग जो है प्राइस एक्शन देखने को मिला, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। और इम्पोर्टेंट लेवल आज से करीब 7-8 दिन पहले 4 जुलाई को इसने क्या है यहाँ ओपनिंग दी, गैप अप ओपन हुआ और वहां से सेलिंग आई। और आज इसने क्या किया है उसी लेवल को, कौन सा है ये 1610 का लेवल जो है, यदि आप डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली चार्ट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर जो ये जो क्लोजिंग है वो आपको 1609.55 यहाँ कहीं दिखा रहा है। लेकिन यदि आप इसको डेली चार्ट ये सॉरी 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे, चलिए अपने इसको छोटा टाइम फ्रेम करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो इसकी क्लोजिंग जो है वो हुई है 1610.50 पर हुई है। तो ये जो रैली है ये हो सकता है कल के दिन कंटिन्यू भी कर ले। तो अब यदि अपने नेक्स्ट जो लेवल देख रहे हैं वो कौन सा हो सकता है, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये फिबोनाची लेवल लगाया था, ये वीकली चार्ट को देखकर लगाया था, ये हाई था और ये लो था, लेटेस्ट के अंदर ये स्विंग बनी हुई थी। और अभी यदि आप देखेंगे तो 0.6 का जो लेवल है इस लेवल को मैं ऊपर शिफ्ट करना चाहूंगा। कौन सा है वो लेवल, ये जो लेवल आप देख पा रहे हैं 0.6 का 1618। तो ये कल 1618 के ऊपर यदि टिकता है, क्योंकि देखिए यहाँ से सेलिंग है, यहाँ से सेलिंग है। और एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को और बताता हूँ, देखिए यदि आप इसको ऑप्शन चेन में देखेंगे तो ऑप्शन चेन यदि अपने ओपन करें nscindia.com, यहाँ यदि आप बजाज फिनसर्व की ये रहा बजाज फिनसर्व की ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ कहीं 1600 के लेवल पर। देखिए सबसे ज्यादा जो है ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का जो है, ये कॉल साइड है, ओपन इंटरेस्ट ओआई डाटा जो है उसमें सबसे हाईएस्ट जो है 1600 पर 1987 लोग जो है वो बैठे हुए हैं। और वो क्या है, रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है 1620 का है और उसके आगे 1640 है। तो मतलब ये जो रेंज है ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाली रेंज है। और सपोर्ट की बात करें तो 1600 के लेवल पर ये सबसे हाईएस्ट जो मैं पहले भी बता चुका हूँ 926 लोग बैठे हुए हैं, ओपन इंटरेस्ट जो है 926 है। तो यहाँ से क्या है ये सपोर्ट बनाकर बैठा हुआ है कि 1600 के नीचे नहीं जाएगा। तो हो सकता है 1620 1640 भी आपको कल के दिन आते हुए देखने को मिले। लेकिन यदि आप इंट्राडे प्लान कर रहे हैं तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। साथ में अपने ओशिया हाइपर रिटेल जो है उसका भी अपडेट देख लेते हैं क्या हुआ है। अभी ये कंटिन्यू अपर सर्किट लगा रहा है। चलिए पहले तो मैं आप लोगों को ये लेवल जो है वो क्लियर करके डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये अपने क्या करते हैं, पैरेलल चैनल जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। यहाँ से यदि आप देखेंगे तो इसने क्या है इस चैनल को ब्रेक कर दिया आज के दिन। तो ये देखिए प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से चल रहा था अभी तक कि यहाँ से सेलिंग नीचे आया, सेलिंग नीचे आया, कंटिन्यू इस रेंज में रहा। अभी ये क्या है 4 दिन से अपर सर्किट लगा रहा है और यहाँ आज की जो क्लोजिंग है वो 28.58। तो ये जो क्लोजिंग है यहाँ से हो सकता है ये रीटेस्ट करने के लिए नीचे आए, क्योंकि यदि आप चैनल के अलावा एक चीज और देखें कि अपने फिबोनाची की हेल्प लेते हैं, यहाँ से लेटेस्ट में यहाँ से गिरावट हुई और ये बॉटम बनाया। तो आज के दिन इसने 0.6 का जो लेवल है 28.16 इसको भी इसने ब्रेक कर दिया। तो एक बार ये 0.6 या 0.5 के लेवल तक रीटेस्ट करने भी आ सकता है। कंटिन्यू यदि जा रहा है तो इसके अंदर आपको एंट्री से बचना है। यदि आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप कंटिन्यू रह सकते हैं, क्योंकि यदि आपको बाइंग करनी है तो एक करेक्शन का आपको वेट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। यदि आपकी बाइंग ऊपर के लेवल पर की हुई है तो अभी आपको वेट करना है, क्योंकि एवरेज यदि आपने यहाँ पर नहीं किया तो अब एवरेज करने से कोई फायदा नहीं है। एक बार हल्का सा करेक्शन आने दो, उसके बाद यदि इस लेवल को ब्रेक करता है तब आप इसके अंदर बुलिश हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा अपडेट जो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।